हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार वाईफाई स्टडी पर। दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? जल्दी से बताइए और फटाफट आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छे टॉपिक लेके आया हूँ जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो यूपीएसआई का बैच स्टार्ट हो चुका है अनअकैडमी प्लस पे। तो जिन लोगों ने अभी तक बैच को नहीं लिया है, तो प्लीज़ आप लोग बैच को ले लीजिए। और अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप लोग कूपन कोड लगा सकते हैं विवेक लाइव, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए जानते हैं आज की क्या न्यूज़ है, क्या खबर है आज की। तो यहाँ पे आपके सामने देखो लिखा हुआ कि युक्ति 2.0 यानी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से युक्ति 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो यहां से प्रश्न आपके सामने बन सकता है, क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है कि युक्ति 2.0 जो पोर्टल का शुभारंभ किया है वो किसने किया है। तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने किया है। और ये किसके माध्यम से किया है? तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन्होंने इसका शुभारंभ किया है। चलिए जानते हैं युक्ति 2.0 आखिरकार क्या है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि ये क्या है। तो इस पोर्टल के जरिए कोरोना वायरस के मद्देनजर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों की निगरानी की जाएगी और उसको मेंटेन किया जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि युक्ति 2.0 एक प्रकार से कोरोना वायरस के जो भी अड़चनें आ रही हैं, जो भी दिक्कतें आ रही हैं, उनकी क्या की जाएगी, निगरानी की जाएगी और साथ में उसको मेंटेन भी किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य छात्रों, संकाय, हमारे उच्च शिक्षण संस्थानों के पूर्व छात्रों तथा उनसे संबंधित इनक्यूबेटरों द्वारा बनाए गए विभिन्न तकनीकी उत्पादों, नवचारों और स्टार्टअप पर सूचनाओं का भंडार बनाकर राष्ट्रीय नवाचार और प्रौद्योगिकी डाटाबेस तैयार करना है। तो इसका ये क्या है, मुख्य उद्देश्य है मेरे भाई। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे इसके बारे में क्या है कि युक्ति युक्ति की फुल फॉर्म क्या होती है। तो आप देखेंगे यंग इंडिया कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, यानी आप समझेंगे इसके माध्यम से। इसके माध्यम से क्या है कि इसके माध्यम से मंत्रालय के अनुसार, यानी जो मानव संसाधन मंत्रालय है, इसके अनुसार हम देखेंगे कि मंत्रालय के अनुसार यह पोर्टल कोरोना वायरस की वजह से सामने आ रही चुनौतियों के हर आयाम को समग्र व्यापक तरीके से दिखाएगा। यानी जो भी चुनौतियां आ रही हैं कोरोना वायरस से, जो भी समस्याएं आ रही हैं, उसको क्या करेगा, ये आयाम और समग्र व्यापक तरीके से दिखाएगा। इसके द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं की अपेक्षित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त समर्थन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो ये इसका क्या है, एक प्रकार का उद्देश्य है। और युक्ति 2.0, यानी फिर से आपको बता देता हूं कि युक्ति 2.0 को जारी किया गया है, ये एक वेब पोर्टल है। इसको जारी किसने किया है? तो रमेश पोखरियाल ने जारी किया है। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसकी फुल फॉर्म काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। तो इसको प्लीज आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। चलिए जानते हैं कौन है रमेश पोखरियाल, इनके बारे में। तो जैसा कि आप यहां पे फिगर देख रहे हैं, तो रमेश पोखरियाल ये हैं। इनका बर्थ कब हुआ था? 15 जुलाई 1959 में इनका बर्थ हुआ था। इनका बर्थ प्लेस कहां है? तो उत्तराखंड इनका बर्थ प्लेस है, पिनानी उत्तराखंड में इनका क्या हुआ है, इनका जन्म हुआ है। इनके फादर का नाम क्या है? परमानंद है। और इनकी माता का नाम क्या है? तो कुसुम कांता इनकी माता का नाम है। और दोस्तों, ये 2009 से लेकर 2011 तक मुख्यमंत्री भी रहे हैं उत्तराखंड के, और साथ में ये अभी 16वीं लोकसभा के क्या है, सदस्य हैं। और ये कहां से हैं? ये उत्तराखंड से हैं। तो ये रमेश पोखरियाल थे। और आई होप दोस्तों कि आपको ये न्यूज अच्छी लगी होगी, ये खबर अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, तो प्लीज मेरे दोस्तों आप लोग इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बताइए कमेंट करके कि ये क्लास आपको कैसी लगी। साथ में एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि यूपीएसआई का बैच स्टार्ट हो चुका है। तो जिन लोगों ने अभी तक यूपीएसआई के बैच में अपने आपको एनरोल नहीं कराया, तो प्लीज करा लीजिए। और आपको कूपन कोड क्या लाना है, विवेक लाइव 10 लगाना है, तो उसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच।